लेकिन ये प्रॉब्लम आता है तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है ये बात आप ध्यान से समझना। यदि आप समझ गए तो ये प्रॉब्लम आता भी है तो भी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी हम IRCTC के साइड से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम ही आता है, इसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, IRCTC की वेबसाइट से यदि टिकट बुक करते हैं या फिर IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप से यदि अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आता है, इनके बावजूद भी हम लोग तत्काल टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज के डेट में मैं देखा हूँ काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आया है, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर। 1-2 मिनट की ये बात नहीं है, 10-11 मिनट तक ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्या करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। हम लोग करते क्या है, जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर लॉगिन करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद प्लान माई जोनी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद जैसे ही 11:01 से 2 सेकेंड होते हैं तो सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद ट्रेन भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पैसेंजर डिटेल फिल कर लेते हैं, इसके बाद एड्रेस भी हम फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद इंश्योरेंस सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 10 सेकेंड 15 सेकेंड प्रोसेस में टाइम लेता है। प्लीज़ वेट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और इसके बाद अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है। प्रॉब्लम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट नहीं, 10-10 मिनट तक ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यदि आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी टिकट बुक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, और यदि आप IRCTC के वेबसाइट से भी टिकट बुक करते हैं तत्काल तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को करना क्या है और ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करने का, क्योंकि यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया, जब भी तत्काल टिकट आप बुक करते हैं तो IRCTC की वेबसाइट से आपको टिकट बुक करना है। यदि IRCTC के वेबसाइट से भी टिकट बुक करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये प्रॉब्लम फ़िलहाल में ये क्यों आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है शनिवार और रविवार को, और सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बाद दिल्ली में 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और यहाँ पे पब्लिक जो है जो काफ़ी घबराए हुए हैं और सोच रहे हैं फिर से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, परेशान होकर अब टिकट के खोज में निकल गए हैं। और वो लोग चाह रहे कि तत्काल टिकट बुक करना, और की वजह से IRCTC के पेज पर काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आपको पता है तत्काल टिकट इतना आसान नहीं है आज के टाइम में मिलना, और ऐसे भी IRCTC के वेबसाइट से या फिर रेलवे काउंटर से यदि टिकट बुक कराना चाहते हैं मुंबई से बिहार, मुंबई से मुजफ्फरपुर या फिर मुंबई से दरभंगा, मुंबई से गोरखपुर बस्ती, या फिर दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से दरभंगा, दिल्ली से मुजफ्फरपुर, तो इस रूट में बुक करना इतना आसान नहीं है। और ऐसे भी सर्वर पे इतना लोड हो जाता है, इससे प्रॉब्लम आता है। तो आप लोगों को सिंपल करना क्या, सिंपल मैं तरीका बता देता हूँ। यदि ये प्रॉब्लम आता है तो आपके साथ ही नहीं आएगा, आएगा तो सभी के लोगों के साथ आएंगे जो IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम आता है तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है ये बात आप ध्यान से समझना। यदि आप समझ गए तो ये प्रॉब्लम आता भी है तो भी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लॉगिन करते हैं IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप से करें या फिर IRCTC के वेबसाइट से करें, कोशिश कीजिए IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करने का। इसके बाद प्लान बाई जोली सेलेक्ट करना है, 1 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से यदि टिकट बुक करते हैं आपको मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल आपको पहले से ही फिल करके रख लेना है। और इसके बाद यदि IRCTC वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो प्लान बाई जोली सेलेक्ट करना है। इसके बाद ट्रेन सर्च पे क्लिक कब करना है, 11 बजे जैसे ही 1 सेकेंड या 2 सेकेंड होता है तो सर्च पे क्लिक करना है और ट्रेन सेलेक्ट करना है। ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद पैसेंजर डिटेल आप फिल करेंगे या फिर ऑलरेडी पहले से भी आप फिल करके रख सकते हैं। आपको ये नहीं पता IRCTC की वेबसाइट से यदि टिकट बुक करते हैं तो पैसेंजर डिटेल, बैंक डिटेल आपको कैसे सेव करना है, तो आई बटन में या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो पैसेंजर डिटेल आपसे पहले से फिल करना है। जैसे ही आप इसके बाद नीचे आपको एड्रेस फिल करना होगा, एड्रेस फिल करने के बाद आप लोगों को जैसे ही सर्च एंड पे क्लिक करते हैं, तो सर्च एंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है 10 सेकेंड 15 सेकेंड प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या गलती करते हैं हम लोग, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम 1 से 2 बार ट्राई करते हैं, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आता है, तो कुछ लोग इस पेज को क्लोज कर देते हैं और न्यू पेज ओपन करने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर इस पेज को आप क्लोज करते हैं और न्यू पेज ओपन करते हैं, तो फिर न्यू पेज ओपन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर प्लान माई जोनी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पैसेंजर डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको 30 से 40 सेकेंड बर्बाद हो जाता है। और तत्काल टिकट में 30 से 40 सेकेंड का ही खेल है। जैसे आप 10 सेकेंड भी आप लेट करते हैं तो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी रूट में हो। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको यहाँ पे जैसे अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन आता है तो सिंपल सबसे पहले तो आपको ये मैं क्लियर कर दूँ, ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी के पास सभी के साथ आएंगे। ये नहीं है कि पर्सनल आप ही हो, जो आप पर्सनल आप ही है जो आप ही के साथ आ रहा है तो प्रॉब्लम सबके साथ आ रहा है। तो आपको जैसे ये प्रॉब्लम आता है तो सिंपल आपको 10 सेकेंड वेट करना है, 10 से 15 सेकेंड वेट करना है, फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, 10 सेकेंड वेट करना है, फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्या आप जल्दी जल्दी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे कि 4 सेकेंड 5 सेकेंड पे, तो वो पेज जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर 10 सेकेंड 15 सेकेंड वेट करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी में यहाँ पर क्लिक करता है कंटिन्यू पे, तो उसका पेज लॉग आउट हो जाता है, और फिर से लॉगिन करता है तो उसका पेज लॉगिन ही नहीं हो पाता है IRCTC का, क्योंकि IRCTC के सर्वर पर इतना लोड ऑलरेडी पहले से होता है तो घूमने लगता है इसकी वजह से। तो आप लोगों को क्या करना है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड वेट करना है और फिर से कंटिन्यू करना है। जैसे आप 10 से 15 बार इस तरह से कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 मिनट बाद, चाहे 5 मिनट बाद, चाहे 7 मिनट बाद अगर सर्वर चल जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से आप फिर कंटिन्यू पे करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग फ़ोनपे या फिर पेटीएम से पेमेंट करने के लिए, तो आप बिल्कुल आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं यदि अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर के प्रॉब्लम आता है तो भी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आता है इस पर भी मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे।